वेलकम बैक टू आवर कॉल सर्चिंग वाइसर टेक्स। गाइस इन दिस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे रियलमी का एक न्यू ईयरबड्स लॉन्च हो रहा है। रियलमी का जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है जो कि गाइस कुछ ही महीने पहले एक लॉन्च हुआ था, जो कि गाइस रियलमी को इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मार्केट प्राइस में अच्छा खासा इसे सेल किया गया और ये अच्छा खासा बिका। तो यहाँ पर रियलमी अपना एक इससे और ज़्यादा, मतलब कि जो इससे पहले लॉन्च हुआ था ईयरबड्स ट्रू वायरलेस, उससे कहीं ज़्यादा एक अफोर्डेबल ईयरबड्स लॉन्च करना चाहता है अपने मार्केट में और अपने कंज्यूमर्स के बीच एक न्यू अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स के साथ एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करना चाहता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव एंड अच्छी प्राइसिंग में हो, साथ ही साथ इसमें अच्छे खासे फीचर्स एंड गाइस अच्छे खासे इसकी परफॉर्मेंस। इस हिसाब से रियलमी अपना एक न्यू ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर रहा है। इंडिया में अभी नहीं लॉन्च कर रहा है, अभी फॉरेनर्स कंट्री में, लेकिन जब फॉरेनर्स में लॉन्च होगा तो साथ ही साथ ये इंडिया में भी लॉन्च होगा। सो इस वीडियो में जो रियलमी का न्यू ईयरबड्स लॉन्च हो रहा है इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स एंड कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल ना चुका वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो रियलमी के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं उनके नाम नेमिंग तो ऐसे आते हैं रियलमी बर्ड्स एयर, लेकिन ये जो रियलमी का न्यू ईयरबड्स लॉन्च हो रहा है इसका नाम है रियलमी बर्ड्स एयर नियो। ये गाइस उनसे काफ़ी एक्सपेंसिव एंड काफ़ी अलग है। ये जो पहले आपको कुछ महीने पहले रियलमी के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए थे उनसे कहीं ज़्यादा इसमें अफोर्डेबल फीचर्स, अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड अफोर्डेबल इसकी परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है। एंड गाइस हर चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा उनसे अफोर्डेबल रहेगा, साथ ही साथ प्राइसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव ईयरबड्स है एंड एक्सपेंसिव फीचर के साथ आता है। और गाइस ये एकदम ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है, जो कि एप्पल एयरपॉड्स जैसे रहता है, उन्हीं जैसे एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उनकी प्राइसिंग की तरह नहीं है। जितनी प्राइसिंग आपको एप्पल के एयरपॉड्स की मिलेगी उतनी प्राइसिंग नहीं मिलेगी, ये कम ही प्राइसिंग में रहेगी, लेकिन एक्सपेंसिव फीचर्स एक्सपेंसिव डिजाइनिंग के साथ आता है। सो चलिए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, यहाँ पे गाइस हमें इसका मॉडल नंबर मिलता है RMA 205। इस रियलमी बर्ड्स एयर नियो का मॉडल नंबर है, जो कि गाइस एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है और ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड काफ़ी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है, जो कि अभी ताइवान कंट्री में लॉन्च किया जा रहा है इसे। लेकिन जब ताइवान में अच्छे खासे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, अच्छे खासे प्राइसिंग के हिसाब से जब आ जाएगा तो शायद इंडिया में भी लॉन्च किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक ही मॉडल का ये लॉन्च किया जा रहा है और ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है। साथ ही साथ गाइस ये हैवीली इंस्पायर्ड डिजाइनिंग के साथ आता है, इसकी डिजाइनिंग आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिल जाती है, जैसे कि एप्पल एयर पॉड्स जैसे गाइस उसमें डिजाइनिंग होती है एकदम उन्हीं के सिमिलर में डिजाइनिंग आती है, लेकिन कलर आपको काफ़ी डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे जो एप्पल एयरपॉड्स होते हैं गाइस उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं, नॉइस कैंसिलेशन ये सब, लेकिन इसमें आपको वो फीचर्स मिलते हैं लेकिन उसे थोड़ी कम होते हैं, क्योंकि ये एक मिड रेंज है और उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं। तो लेकिन सिमिलर है डिजाइनिंग में या फिर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनके सिमिलर में ये आ जाता है रियलमी का बर्ड्स एयर नियो। और साथ ही साथ गाइस जैसा कि आप इसके इमेजेस में देख सकते हैं, इसका जो कलर है ये बिल्कुल वाइट कलर है, यानी कि इसमें अगर कलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे तमाम प्रकार के कलर बन गए, वाइट, ब्लैक, येलो जो कि रियलमी का कलर है। साथ ही साथ इसका चार्जिंग केस भी आपको सेम कलर में मिलेगा एंड मैचिंग कलर इसका रहेगा। रियलमी के जो एयरबड्स होते हैं यहाँ पे जो पहले लॉन्च हुए थे उसमें ब्लैक एंड येलो में आता था, लेकिन यहाँ पे अब कलर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि अगर कलर येलो है तो पूरा चार्जिंग केस एंड उसका रियलमी एयरबड्स पूरा दोनों गाइस येलो रहेगा, लेकिन अगर व्हाइट है तो व्हाइट रहेगा। तो यहाँ पे कलर वर्नियन आपको मैचिंग किया जाएगा और इस हिसाब से यहाँ पे आता है, जो कि इमेजेस में आप देख सकते हैं। एंड गाइस साथ ही साथ इसका जो चार्जिंग केस है इसमें चार्जिंग करने के लिए आपको माइक्रो यूएसबी केबल भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे पोर्ट मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव रियलमी की तरफ से अफोर्डेबल ईयरबड्स लॉन्च किया जा रहा है, तो इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन ये नहीं पता कितनी देर में चार्ज करेगा, लेकिन इसमें टाइप सी का पोर्ट मिलता है तो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इसमें माइक्रो यूएसबी केबल भी है, तो अगर आपको माइक्रो यूएसबी केबल से चार्ज करना है तो उससे चार्ज कर सकते हैं, या अगर टाइप सी से चार्ज करना है तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके साइड में गाइस आपको काफ़ी कॉस्ट कटिंग एक अफोर्डेबल डिटैच किया गया है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, यानी कि ये जो रियलमी ईयरबड्स का चार्जिंग केस रहेगा इस नियो वाले
वर्जन का। इसका जो चार्जिंग केस है उसमें गाइस आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि इसकी साइड में आपको कॉस्टली कटिंग डिजाइनिंग मिल जाती है इस चार्जिंग केस का। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड काफ़ी कॉस्टली भी एयरबड्स होगा, जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है एंड वायरलेस चार्जिंग की मदद से आप इसके चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। और गाइस ये जो रियलमी का एयरबड्स नियो है ये काफ़ी कॉस्टली एंड काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स जो कि गाइस एप्पल एयरबड्स के सिमिलर में ही आता है। यहाँ पर इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस रियलमी एयरबड्स में लॉन्च हो रहे हैं, और इसी CES 2020 में जनवरी में ही ये लॉन्च किया जाएगा। और अभी ये ताइवान में लॉन्च किया जा रहा है, इसके कंपनी की तरफ से ऑफिशियली इसका इमेजेस कुछ टेस्ट किया गया है जिसकी मदद से पता चला अभी इसके पूरा फीचर्स नहीं आए, लेकिन जब तक ये इंडिया में लॉन्च होता है देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइसिंग एंड किस फीचर के साथ आता है, क्या इंडिया में भी वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है देखते हैं। सो यही कुछ इस रियलमी बड्स एयर नियो के फीचर, जो कि एक बहुत ही कमाल का एंड काफ़ी अफोर्डेबल ईयरबड्स है रियलमी की तरफ से, और देखते हैं कि रियलमी और क्या क्या लॉन्च करता है। सो आई होप आपको इसकी सारी डिटेल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल कर देते वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिलते हैं। डू समथिंग यू डू समथिंग डिफरेंट। थैंक फॉर वॉचिंग।